हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज रात क्राइम पेट्रोल दस्तक में देखिए। रमाकांत सिंह है हम, एमएलए के उम्मीदवार हैं हम। तुम ना बस झूठ झूठ कहती कि तुम अंकल से बहुत प्यार करती। किसी से कोई दुश्मनी थी? नेताओं की एक दूसरे से प्रॉब्लम होती है। लक्ष्मण साहब अभी तक नहीं उठे, जाओ जाकर उठा दो। हम उठाएं मालकिन? हाँ उठाओ ना, इतना डरते क्यों हो, खा थोड़ी ना जाएंगे। अच्छा एक काम करो, पहले साहब के लिए चाय बना दो, जाओ। ठीक है मैम। क्या हो भैया जी, डर लग रहा है? कहो तो हम उठा दें। तुम उठाओगे? मालिक अगर सुन लिए ना तुमको ना उठा देंगे। बात करते। अरे क्या हुआ, क्या चल रहा है? अरे मालकिन चाय लाए थे लेकिन मालिक। केशव जाओ तुम दे दो। जी चाची जी दीजिए। चलो रसोई में चले जाओ। जी सब लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, उठिए चाय पी लीजिए। केशव क्या हुआ? चा, चा। अपने घर से ज्यादा सुरक्षित और कोई जगह नहीं होती। ऐसे में अगर किसी का अपने ही घर के अंदर अपनों के बीच खून हो जाए और किसी को कानों कान खबर ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। ये केस एक साल पहले का है। इलाहाबाद, जिसे आजकल प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां के एक बहुत बड़े नेता रमाकांत सिंह का उनके ही घर में खून हो गया था। यह केस मई 2017 का है, जब मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद में हुई थी। मेरी पोस्टिंग के तुरंत बाद यह केस मुझे मिला था। कौन थे ये नेता और किसने किया था उनका ये कत्ल? माधवी तुम्हारे पापा? क्या? हाँ पीछे गाड़ी में तुम्हारे पापा है। पापा क्या कर रहे हैं, जल्दी बताओ मेरे को। साइड ले लो। गाड़ी रोक। आदमी कुत्ता पाले ना चलेगा, लेकिन तुम जैसी औलाद पैदा नहीं करे। चुप, अगर बात तो सुन। एक बार मार खाने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आया? अंकल मेरी बात औकात भूल रहे हो। रमाकांत सिंह का दामाद बनोगे? मुंह काला करवा के ना पूरे खानदान का जुलूस निकलवा देंगे। अगर अगली बार गलती से भी उसके सामने आ गए ना, खत्म कर देंगे। पापा छोड़ दो, मैं पापा। चुप। क्या हुआ इसे, क्यों रो रही है ये? क्यों रो रही है? तुमको इसका टेसुआ बहाना दिखता है, लेकिन ये जो बाहर अपने यार के साथ मिलकर हमारे मुंह पे कालिक पोती है वो नहीं दिखता। रमाकांत सिंह है हम, रमाकांत सिंह। बहुत तपस्या के बाद जाके हमको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, एमएलए के उम्मीदवार हैं हम, और तुम्हारी बेटी हाथ में आरी लेकर के हमारे कुर्सी का पावा काटने पे तुली हुई है। समझा लो इसको, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि कहने के लिए इसके बाप है। चलो चलो अंदर। तुमको जरा सी भी अक्कल नहीं है क्या? या ऊपर का फ्लोर पूरा खाली है तुम्हारा? तुम ना बस झूठ झूठ कहती कि तुम अंकल से बहुत प्यार करती हो। अगर तुम अंकल से इतना ही प्यार करती ना, तो इस तरह रोज रोज उनकी बेइज्जती नहीं करती। हम पापा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम कार्तिक के बिना भी नहीं रह सकते।
सकते। तुम्हारा दिमाग सही है ना? वो दूसरी जाति का लड़का है, ये जो बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, तुम्हें हजारों मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप सिर्फ एक होते हैं और उनके प्यार से बढ़कर कोई नहीं होता। कार्तिक हमारा वैसे वाला बॉयफ्रेंड नहीं है, हम प्यार करते हैं उससे। ठीक है, मुझे तुम्हें जितना समझाना था मैंने समझा दिया, अगर तब भी तुम्हें उससे मिलना है तो आज से हमारी दोस्ती खत्म। भूलना तो इसे पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी दोस्ती को नहीं, उस लौंडे को। कुछ सीखो इससे। देखो जवान लड़की है, हाथ पर बांध के तो रख नहीं सकते घर में, समझा के रखो वरना किसी दिन ना हम सबका नाक कटवा देगी। और सबसे खास बात, ये जब भी बाहर जाएगी ना सिर्फ गीतिका के साथ जाएगी, वरना सड़ने तो घर के अंदर। रमाकांत भैया, वो उमाशंकर फिर से पार्टी के लोगों को भड़का रहा है। साला इसको भी चैन नहीं है। चलो यार, अब ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? हम नहीं जा रहे अंदर, इन दोनों को ना देखकर ही मूड खराब हो जाता है हमारा। चलो आओ अंदर। अरे चलो ना। हेलो, ये फोटो, ये क्या चल रहा है? ओ हाय, ये देखो। छी छी, क्यों? डॉक्टर है वो, हमारे साथ फ्लर्ट कर रहा था तो हमने उसके गोद में बैठ के फोटो खींच ली। और अब जब मुझे छींक भी आएगी ना, वो घर पर आके हमारा फ्री में इलाज करके जाएगा। अब इस बेचारे के साथ तुम लोगों ने क्या किया? अरे इसने ना उसको टॉपलेस फोटो भेजी थी, बदले में उसने इसको अपनी न्यूड फोटो भेज दी। तो हमने कहा जा बेटे, तेरा ही फोटो तेरे कैफे में लगाएंगे। तब से हमारे यहाँ के बिल्स वही पे करता है। तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हारी फोटो लीक हो गई तो? मैंने उसको क्रॉप फोटो भेजी है जिसमें हमारा फेस नहीं है। हाँ, और ऐसे फोटो किसी और को भेज देंगे तो वो तो खुश हो ही जाएगा ना। क्या करती हो यार ये तुम? यही तो काम है हमारा, लोगों को पटाना। वैसे बड़ी सती सावित्री बनती हो तुम। बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, तुम कहो तो उसको पटा के दिखाए क्या? देख। ये लीजिए भैया, पोस्टर के डिजाइन बनकर आ गए, बहुत खूबसूरत बना है देखिए। ठीक है ठीक है, बड़े बड़े पोस्टर छपवा के कोई मतलब नहीं है, बड़े बड़े पोस्टर से अच्छा है बड़े बड़े काम किए जाए। ए केशव। जी चाचा जी। इधर। जी चाचा जी। क्या दिन भर मोबाइल पे लगा रहता है? जाके पढ़ाई कर, वरना तू भी नालायक हो जाएगा हमारी बेटी के जैसे। जा बेटा पढ़ाई कर। जा। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ। अरे हाँ भाई बैठिए बैठिए। अगली बार बड़े लेवल पे सभा करनी है। भैया जी दे दिए चेक। और आरती जी हो गया काम? जी धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा भैया जी हम भी चलते हैं। हाँ ठीक है। अगली बार चाय ना सबसे पहले हमको देना, फिर किसी और को, समझ गए? हाँ गीतिका। कहाँ है माधवी तू, कब आ रही है? देखना स्मृति और दीप्ति भी आ गए। क्या यार मुझसे नहीं झेलती तुम्हारी दोस्त, तुम ही झेलो, हम नहीं आ रहे। बाय। माधवी नहीं आ रही। हाय पापा। हेलो बेटा,
हेलो अंकल। हेलो अंकल। हेलो, और कैसे हैं तुम लोग? अच्छे हैं अंकल। तुम लोग बैठ के बातें करो, मुझे कुछ काम है। जी अंकल। यार तेरे पापा तो बहुत ही हैंडसम है इस उम्र में, बहुत हॉट है यार। इनकी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो होगी। तू पागल हो गई है क्या? मेरे डैड का कैरेक्टर ऐसा नहीं है। पता है जब मैं इतनी सी थी ना तो मेरी मॉम की डेथ हो गई, उसके बाद पापा ने दूसरी शादी भी नहीं की सिर्फ मेरे लिए, और अब इस उम्र में गर्लफ्रेंड बनाएंगे? मेरे पापा ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैंने तुम्हारे पूजनीय पिताजी को एक हफ्ते में पटाके दिखा दिया तो तुम क्या करोगे? शर्त लगाती हो? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बकवास कर रही हो। गीतिका बेटा, एक कप चाय बना दो। जी पापा, आई। तू भी ना क्यों पंगे लेती रहती है? अगर मैंने इसके पापा को एक हफ्ते में पटाके दिखा दिया तो तुम क्या दोगी? मैं तुझे बर्गर खिलाऊंगी, वो भी अपने पैसे से। माधवी, पूरे 20 दिन बाद मिल रही हो तुम। क्या करें, पापा में घर से निकलने ही नहीं देते। अगर कहीं जा सकते हैं तो सिर्फ गीतिका के साथ, और वो भी पापा की बोली बोलती है। अगर उसे अभी पता चल गया ना कि हम दोनों साथ हैं तो चिढ़ जाएगी। अभी भी बहुत मुश्किल से हम आ पाए हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रह तो हम भी नहीं पा रहे हैं। यार बहुत हो गया ऐसे छुप छुप के मिलना, हमें कुछ करना पड़ेगा माँ। इन लोगों को प्रताप से मिलवा दो, काम हो जाएगा आप लोगों। जी धन्यवाद। रुको। जी पापा। अकेले कहाँ गई थी? हम वो इधर आओ। जी अब बोलो। पापा वो हम अंकल वो अकेली नहीं, हमारे साथ गई थी। तो बताना चाहिए ना। जी मैं ये वो, ऐसा क्यों कर रही है? अंकल हम ना अपने दोस्तों के साथ 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो माधवी को लेके जाए। देखो तुम हो तो मुझे कोई चिंता नहीं, जहाँ चाहो लेके जाओ। थैंक यू अंकल। ये शकुंतला मासी को दे देना और कहना हमें फोन करे। मालिक कहाँ गए? हम चाय लाए थे। दोपहर के खाने के बाद साहब कभी चाय पीते हैं क्या? स्टडी में होंगे, पढ़ रहे होंगे या फिर सो गए होंगे। हाँ हाँ हाँ, हम आ रहे हैं, बस निकल रहे हैं। अरे बेटा जरा ध्यान से। सॉरी। शंकर, भैया जी उठ गए? मालिक तो सो रहे हैं, अभी हम देखे। चाय लाए आपके लिए? नहीं नहीं बाद में। केशव बेटा जा, मेरे लिए सिगरेट लेकर आना। जी अंकल। चलो ला, फोन दे मुझे। ये क्या कर रही है? हमें जरूरी फोन करना है। हमें पता है तुम्हें किसे फोन करना, और हमने देखा था तुम्हें उस कार्तिक के साथ। तुम्हें क्या लगता है कि ये 4 दिन हमारे साथ चलने के बहाने तुम ये सब कर लोगी? तुम ना अब से 4 दिन के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो अभी अंकल को फोन करेंगे हम। हम कह रहे हैं ना हमें एक जरूरी बात करनी है। हमने कहा ना नहीं मतलब नहीं। तुम हिटलर की जैसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुम हमारी दोस्त हो। हमें नहीं लगता कि हमारी ये दोस्ती ज्यादा दिन तक चलेगी। अभी हमारे साथ चलना है या वापस घर जाना है? चलो चुपचाप। भाई हाँ, अरे भैया करते हैं ना बात। हाँ करते हैं बात। हाँ भैया जी घर पर ही? हाँ अंकल जी सिगरेट। हाँ थैंक यू। क्या हुआ भैया जी, डर लग रहा है? अरे भैया अभी क्या हुआ? अरे मालकिन चाय लाए थे मालिक के लिए, लेकिन अब केशव जाओ तुम दे दो।
जी, सब लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, उठिए चाय पी लीजिए। जनकल्याण पार्टी के वरिष्ठ नेता रमाकांत सिंह का आज उन्हीं के घर के अंदर कत्ल हो गया है। कत्ल की वजह और कातिल का अब तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ बहुत भारी लगी हुई है और सब लोग शोक में डूबे। सर, आप इस कत्ल के बारे में कुछ बता पाएंगे? पहले हमें इंक्वायरी तो शुरू करने दीजिए, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे ना, प्लीज। तो देखा आप लोगों ने, पुलिस अभी अभी इस मौके पर पहुंची है और जैसे ही इस घटना के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है हम आपको बताते रहेंगे पल पल की खबरें। रमाकांत जी की बॉडी कहाँ है? जी अंदर, चलिए। सीने पे मारा गया सर। जिस तरह का जख्म है ऐसा लग रहा है किसी धारदार हथियार से मारा गया। हाँ, और कमरे की हालत भी ऐसी है, लगता नहीं कि हाथापाई भी हुई हो। चेक करो कोई चाकू वगैरह मिलता है। घर के अंदर मर्डर हो गया और किसी को कोई खबर ही नहीं है। वो यहाँ स्टडी में ही थे, सबको लगा कि वो पढ़ रहे हैं या फिर सो रहे होंगे। दोपहर के खाने के बाद वो कभी चाय पीते हैं क्या? स्टडी में होंगे, पढ़ रहे होंगे या फिर सो गए होंगे। हमको चाय लाने को बोले थे। तो जाओ दे दो। अब उनकी नींद खराब हुई तो फिर डांटेंगे, और अगर नहीं दिए तो भी गुस्सा करेंगे। लाओ, हम दे देते हैं। जी ठीक है। जब आप अंदर गई तब वो जिंदा थे? हमने जाकर चाय दी। जी, आपने चाय मंगवाई थी? मतलब समय जिंदा थे? जी बिल्कुल। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? सर, हमने। जब तुम अंदर गए तो तुम्हारे बाद में कोई और भी गया था? हमने तो घर के लोगों को ही जाते हुए देखा था, किसी और को नहीं देखा था। सर, वो आरती मैडम जी आई थी। जा मेरे लिए सिगरेट लेकर। जी अंकल। और केशव बेटा कैसे हो? अच्छा मैडम जी। कौन आरती? वो पार्टी में ही है, विधवा आश्रम संभालती है। अभी दो रोज पहले चाचा जी बहुत गुस्सा हो रहे थे उन पर, रोज रोज पैसे मांगने आ जाती थी। सर, अभी कुछ दिन पहले ही लेकर गई थी ना पैसे। चाचा जी ये रश्मि है। चाचा जी बहुत गरीब हैं, ये इनके माँ बाप इनको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसको प्रताप के पास लेके जाओ, काम पैसे जो भी चाहिए होगा दे देगा। जी चाचा जी। चलिए। सुनो, नाम क्या बताया? रश्मि। देखो रश्मि बेटा, पढ़ाई के लिए जितने भी पैसे चाहिए, जितनी भी जरूरत होगी पूरी हो जाएगी, लेकिन हमको पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं चाहिए। मन लगा के पढ़ाई करना। जी। सबको पैसे ही चाहिए। कितनी बार पैसे मांगोगी और करती क्या हो इतने पैसों का? वृद्धाश्रम के रेनोवेशन के लिए पैसे चाहिए थे। ठीक है, परसों आके ले जाना, लेकिन ये आखिरी बार है, ये सब ऐसे बार बार नहीं चलेगा। आरती का एड्रेस लो। आरती के अलावा बाहर का कोई और आदमी आया था यहाँ? रमाकांत भैया ज्यादातर मीटिंग घर में ही किया करते थे। आप कौन है? जी, मैं पार्टी में ही हूँ और उनका अच्छा दोस्त हूँ। आप किसी काम से आए थे यहाँ? जी एक्चुअली कल मैंने उनको 2,00,000 रुपए दिए थे, आज बैंक में जमा कराने थे, इसलिए मैं आया था यहाँ। कहाँ है वो 2,00,000 रुपए? जी, अंदर कबर्ड में। चेक करो। पैसे? सर, ये ड्रॉअर में से कुछ पैसे मिले। कितने हैं? 1,80,000। सर,
पैसे तो हैं लेकिन 1,80,000 ही, 20,000 रुपए गायब है। 20,000 रुपए कहाँ हैं? पता नहीं, शायद जिसने मारा होगा उसी ने लिए होंगे। अगर पैसों के लिए मारा होता तो पूरे पैसे लेता, सिर्फ 20,000 क्यों? जी, शायद उन्होंने माधवी को दिए हो। माधवी कौन है? हमारी बेटी। माँ, थोड़े पैसे चाहिए थे। किस लिए? गीतिका के साथ जा रहे हैं, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे, 4 दिन के लिए जा रहे हैं। हमारे पास नहीं है, जाओ जाकर पापा से ले लो। कहाँ है? अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है। लेकिन कहाँ? नहीं पता। फोन कीजिए उसे। फोन किया था उसे, उसका फोन बंद आ रहा है। माधवी का नंबर लो। तुमने उन्हें सोते हुए देखा था? हाँ, हमारा मतलब वैसे नहीं देखा था। अब साहब किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनको उठाने की, दरवाजे से ही देखा तो लगा कि सो रहे हैं। किसी से कोई दुश्मनी थी? देखिए, नेताओं की एक दूसरे से प्रॉब्लम होती है और ऑपोजिशन में पंगा लगा ही रहता है। उन्हीं की पार्टी में उमाशंकर जी थे, उनसे कुछ प्रॉब्लम थी उनको। ये उमाशंकर कहाँ मिलेंगे? अभी तो वो बाहर गए हैं। बुलाइए उन्हें। जी भेजो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास से पता करो कि किसी ने कुछ देखा है क्या, और CCTV फुटेज भी चेक करो, हो सकता है अपोजिशन का कोई आदमी आया हो। आरती शर्मा जी। सर, थोड़ी देर पहले आप रमाकांत जी के घर गई थी? जी सर, गए थे हम उनके यहाँ। क्यों? वो विधवा आश्रम के कुछ ड्यूज बाकी थे ना, वही लेने गए थे। रमाकांत जी, रमाकांत जी, पर आप हमसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि रमाकांत जी का मर्डर हो गया है। क्या? हे भगवान, कैसे हुआ ये सब और किसने किया? वो भी पता चल जाएगा, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। अंडरस्टैंड? रमाकांत जी की हत्या ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। वो एक वरिष्ठ नेता थे, अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनीति की किताब खून की शाही से लिखी जाती है। उनका दुश्मन कोई भी हो सकता था, अपोजिशन पार्टी या उनकी खुद की पार्टी का कोई नेता जो उनकी जगह लेना चाहता था। और जिस तरह से यह हत्या हुई थी उसे देखकर मुझे लग रहा था कि बाहर से छुपकर कोई नहीं आया था, कोई घर का ही था जिसने ये सब किया था, कोई ऐसा जिसे वो अपना समझते थे। अरे तुम ये कहाँ लेके आई हो? हम तो रिजॉर्ट जाने वाले थे ना। अरे ये मेरे मामा का घर है, 4 दिन मस्त ऐश करेंगे हम लोग यहाँ। हाँ, नाइस हाउस। हाँ मस्त है यार ये तो। फाइनली फाइनली चल एक्सप्लोर करके आते हैं। तो कुछ पिएगी? वाओ, कितना अच्छा बंगलो है ना। चल चल फोटोज लेते ना, फोटोज लेते। लाइट भी बहुत। माधवी आना, फोटोज आना, फोटोज लेते। कम कम कम, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग लो हमारे। अरे आना, फोटोज नहीं क्या हो जाएगा। चल कोई बात नहीं, गर्ल्स। क्या यार, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक? अरे अभी तो आए, ये सिर्फ मुंह गीला करने के लिए। चल पी ले। चल ठीक है। चीयर्स। ये ले पी। हमारा मूड नहीं है। अरे पी ले ना, मुंह ठीक हो जाएगा। हमें नहीं पीना। सब डरते थे रमाकांत जी से, उनकी बेटी का कुछ चल रहा था, और एक दिन यहाँ पर बहुत तमाशा भी हुआ था सर। अंकल मेरी बात तो सुनिए। अंकल प्लीज, अंकल, अंकल हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज हमारी बात। दोबारा अगर इधर दिखा ना जान से मार देंगे, समझे? चल निकलो। आज के बाद तू घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, समझे? सर मुझे लगता है अभी भी कुछ चल रहा है उसका। Oh
थी, ये क्या मजाक है? बहुत घटिया काम किया है तुम दोनों ने। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, दिखाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों को मार के यही दफा दे। नहीं नहीं नहीं, अगर जिंदा रहेगी तो पता नहीं कितने लोगों के घर उजाड़ेगी। पागल हो गई हो तुम, ये दोनों बहुत गिरी हुई हैं, पर हम इनकी तरह नहीं है ना। इन्हें दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता है ना, अब हम इन्हें परेशान करेंगे, चार दिन में नरक दिखा देंगे। रमाकांत जी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है सर। रिपोर्ट के हिसाब से उनकी छाती पर किसी चाकू से वार किया गया है, जिसकी वजह से खून काफी बह गया और उनकी मौत हो गई। वैसे बॉडी पे कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है सर। स्ट्रगल नहीं है मतलब नींद में मारा गया है। उनकी कॉल डिटेल्स निकाली? हाँ सर, कॉल रिकॉर्ड्स चेक की, लेकिन सब एज यूजुअल कॉल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस नहीं हुआ है। और ये अपोजिशन पार्टी की कॉल डिटेल से कुछ पता चल रहा है? सर उन सभी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं और कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ऐसा कोई भी आदमी नहीं दिखा है जो रमाकांत जी के घर के आसपास हो। सीसीटीवी फुटेज में कुछ पता चल रहा है? सर मैंने सीसीटीवी भी चेक किया है, सब घर वाले लोग हैं और पार्टी के कार्यकर्ता है। वैसे सर रमाकांत जी के ड्राइवर ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई है। क्या? सर उसका कहना है कि रमाकांत जी की लड़की का अफेयर किसी दूसरी जाति के लड़के से चल रहा था और इसी वजह से रमाकांत ने उस लड़के को धमकाया भी था। अगर अगली बार गलती से भी उसके सामने आ गए ना, खत्म कर देंगे। क्या नाम है लड़के का? सर कार्तिक। कार्तिक, उनकी बेटी से बात हुई? नहीं सर, उसका फोन अभी तक बंद है। इस कार्तिक की कॉल डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। सर वो उमा शंकर जी आए हैं सर। बुलाओ। देखिए उमा शंकर जी, मृत्यु तो अटल सत्य है, लेकिन रमाकांत जी का इस उम्र में ऐसा अंत होगा किसने सोचा था? आपका तो गला भराया होगा, उनकी मृत्यु से आपको बहुत दुख पहुंचा होगा। लीजिए पानी पीजिए। बहुत आघात पहुंचा था हमें उनकी मौत की खबर सुनकर। मैंने सुना है कि आपका रमाकांत जी के साथ कुछ मन मुटाव चल रहा था, ज्यादा पसंद नहीं करते थे आप उन्हें। मन मुटाव नहीं इंस्पेक्टर साहब, मतभेद। मतभेद कहाँ नहीं होते। तो अब हम आपको अपने पार्टी का एजेंडा बताना चाहेंगे। रमाकांत जी, पार्टी का एजेंडा जो है वो अब तक क्लियर है ही नहीं। हमारे हिसाब से पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए फंड को और बढ़ाना चाहिए, और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो खर्चे हैं, उनके खर्चे या आपके खर्चे। देखिए पार्टी का एक ही एजेंडा है, अच्छा काम, बस। रमाकांत जी आप समझ नहीं रहे, आप नए, ये कोई समाज सेवा तो है नहीं, ये राजनीति है, और हम आपसे बड़े हैं तो आपको गलत सलत राय तो देंगे नहीं, है ना। तो मैं, हाँ आप बड़े हैं लेकिन सिर्फ उम्र में, समझ में नहीं, इसलिए जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो बीच में बोला मत कीजिए, समझ गए। हाँ तो चार लोगों के बीच में आपको काफी खरी खोटी सुना दी थी उन्होंने। हर नेता आगे बढ़ना चाहता है इंस्पेक्टर साहब, हम भी चाहते, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने उसे मरवाई दिया। हम तो इलाहाबाद में थे नहीं उस समय। तो कहाँ थे आप? आगरा में, बड़े भाई की बेटी की शादी थी, उसी में गए। अच्छा विजय, नेताजी के भाई साहब का नाम, पता, टेलीफोन नंबर सब ले लीजिए, ठीक है नेताजी। सतयुग हो, कलयुग हो, कोई भी युग हो, हर युग में सत्ता के लालच में खून बहा है। यादव जी, इस उमाशंकर पर 24 घंटे नजर रखवाओ, इसकी एक एक एक्टिविटी की हमें खबर होनी चाहिए। रमाकांत को जिसने भी मारा है बहुत ही चालाकी से मारा है। ठीक है सर। चाचा जी भले ही बहुत गुस्सा करते थे लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान थे, सबकी मदद की उन्होंने। हम तो उनके कुछ लगते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने हमारी मदद की।
भगवान हमेशा अच्छे इंसान के साथ ही क्यों गलत करते हैं? खूबसूरती पर तुम्हें क्या लगता है? तुम लोग बहुत सुंदर दिखते हो। अरे खाक सुंदर दिखते हो। मेकअप पोत के ना तो कोई भी सुंदर दिख सकता है। एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हारा मेकअप करती हूं। चलो, हाँ चलो, आओ। करते हैं तुम्हारा मेकअप। कितिका, मुझे हाथ मत लगाना। चुप रहे, वरना चाकू है हमारे पास, याद है ना? बहुत खूबसूरत लग रही है तुझे। देख, देख चुपचाप। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत सुंदर लग रहे हो। फोन ला। इधर देखना। अरे वाह, तू 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 थोड़ा पाउंड कर ना बेटा। हाँ, अब ये फोटोज जाएगी तुम्हारे सोशल मीडिया पर। बहुत चाहने वाले हैं ना तुम्हारे। देखते हैं कितने चाहने वाले रहते हैं और कितने जाते हैं। ऐसा मत करो। हाँ ना करे। और जो तूने किया वो बेटा, जो जैसा होता है ना वैसा ही पाता है। मजे करो। हाँ छोटे बोलो। अरे यहाँ ठीक है ना, इंटरव्यू के लिए बुलाया तो जाओ। अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। क्या हुआ सर, भाई की नौकरी लग गई? नहीं, अभी तो इंटरव्यू के लिए बुलाया। देखो क्या होता है, बताओ तुम। सर ये कार्तिक का कॉल रिकॉर्ड, जिस दिन रमाकांत का मर्डर हुआ कार्तिक के फोन की लोकेशन उसी एरिया की है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि रमाकांत सिंह जी का खून क्यों किया गया और किसने किया। ये बात तो साफ है कि खून घर के अंदर ही किया गया है। अब देखना ये है कि पुलिस इस गुत्थी को कैसे सुलझाती है। मीडिया में खबर चल रही है और तुम भागे नहीं? सर मैं क्यों भागूंगा? क्यों, रमाकांत जी के घर नहीं गए थे? सर मैं गया था, लेकिन माधवी ने मुझे फोन करके बुलाया था। सर क्यों बुलाया था? माधवी प्लीज मेरी बात सुन। देखो तुम्हारे पापा हमारे प्यार को कभी नहीं समझेंगे। वो अभी भी जात पात के चक्कर में पड़े हैं। वो हमारे रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लीज मेरी बात मान जाओ, मेरे साथ चलो। सर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों घर से भागने वाले थे, इसीलिए मैं उसके घर के बाहर गया था, लेकिन सर वो आई गई। झूठ मत बोलो, रमाकांत जी तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ थे इसलिए तुमने उन्हें मार दिया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सर माधवी कहाँ है? पता नहीं सर, मैं उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं भागने की कोशिश मत करना, जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। विजय सर इस लड़के पर नजर रखवाओ और माधवी के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। ठीक है सर। बाप मर गया और बेटी गायब है, ऐसा तो नहीं बेटी मार के भाग गई हो? या ये भी हो सकता है किसी और ने मरवाया हो और उसी ने बेटी को भी किडनैप करवा लिया हो। सर मैंने उमा शंकर के बारे में सब पता किया, वो सच बोल रहा था, वो आगरा शादी के लिए ही गया था सर। लेकिन सर जब हमारे आदमी उस पर नजर रख रहे थे तो उन्होंने कुछ और भी देखा। उमा शंकर ने रमाकांत के नौकर लक्ष्मण को पैसे दिए, किस बात के?
साहब आप तेरे घर का सर्च वारंट है, तलाशी लो। विजय बैग चेक करो। सर क्या है? चल। हाँ तो नेताजी, आपने लक्ष्मण को पैसे दिए थे रमाकांत जी को मरवाने के लिए, ठीक? बिल्कुल नहीं, हमने इसे पैसे दिए थे ताकि ये वो पैसे उनकी पत्नी को दे सके। हाँ 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 साहब, ये सही है। मतलब उनकी पत्नी ने आप पर इल्जाम लगाया है कि रमाकांत जी को आपने मरवाया और आप उन्हें पैसे दे रहे थे। दानवीर कर्ण के बाद तो आप ही का नंबर आना चाहिए नेताजी। उन लोगों ने हम पर बहुत आरोप लगाए पर हम अपने दायित्व से कैसे पीछे हटते बताइए। हम पैसा दिए लक्ष्मण को और बोले कि जाओ जाकर दो, तो वो पैसा रमाकांत जी का ही था ना। तुम ठीक तो हो? किरण जी, आपके पति ने उमाशंकर जी को कुछ पैसे दिए थे? जी हमें कुछ नहीं पता। अब देखिए, पार्टी के काम के लिए पैसों का लेन देन चलता ही रहता था, लेकिन हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आती, आप लोग कर क्या रहे हैं? इतना वक्त क्यों लग रहा है आपको? हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं और बेहतर यही होगा कि आप भी सहयोग कीजिए। किरण जी, माधवी का कुछ पता चला? उससे बात हुई? जी हमारी गीतिका के पिताजी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि उनकी बच्चों से बात हुई है। ठीक है, उनका नंबर और एड्रेस दीजिए। सुन सुन सुन, नो, तू वेजिटेरियन है ना? हाँ, तेरी मम्मा तो ये देखकर कितना खुश हो जाएंगी। शी विल बी सो प्राउड। चल खा ले, अब खा ले। प्रदीप जी, आपकी बेटी गीतिका रमाकांत जी की बेटी के साथ बाहर गई है ना? जी। आपने उन्हें इन्फॉर्म किया कि रमाकांत जी का खून हो गया? बच्चे जहाँ हैं वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। अच्छा, वो जगह पता है जहाँ वो गई है? वो किसी फार्म हाउस पे गई है। गीतिका ने मुझे किसी दूर के पीसीओ से फोन किया था। हाँ पापा, सब ठीक चल रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान रखो अपना। बाय पापा। बाय। उसके बाद मैंने कई बार मोबाइल ट्राई किया, उसका फोन बंद है। और कौन गया उनके साथ? कोई नहीं, बस वो दोनों ही है। हाँ लेकिन किरण जी ने हमसे कहा था कि गीतिका ने उन्हें बताया था कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही है। अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है? ये तो हमें नहीं पता। हम एक टीचर हैं, किसी सेमिनार के सिलसिले में बाहर गए थे। स्कूल और घर के अलावा हमें टाइम ही नहीं मिलता है। वैसे गीतिका काफी जिम्मेदार और समझदार किस्म की लड़की है, वो कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, पूरा भरोसा है हमें उसके ऊपर। वैसे गीतिका और माधवी कई बार बाहर गए, दो दो तीन दिन के लिए। हाँ, जरा उस पीसीओ का नंबर दीजिए जहाँ से गीतिका ने आपको कॉल किया था। विजय सर, इस गीतिका के कॉल डिटेल्स निकालो, पता करो उसके साथ कौन कौन है, और जिससे ज्यादा बात होती होगी उससे पता करो, शायद उसे पता हो कि वो कहाँ है। चुपचाप चल। हाँ बहुत पसंद है ना सोशल मीडिया पर अपलोड करना, ये भी जाएगी तेरी सारी फोटोज की तरह। सर गीतिका का फोन रिकॉर्ड आ गया, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि उसका फोन अभी तक बंद है और उसके फोन की लास्ट लोकेशन रमाकांत जी के घर के बाहर की। दोनों लड़कियों ने घर के बाहर ही फोन बंद कर दिया, क्यों? अच्छा, उस पीसीओ का पता चला जहां से गीतिका ने अपने फादर प्रदीप को फोन किया था?
हाँ सर, वो पीसीओ बरगद घाट एरिया का है, हमने पता करवाया है, लेकिन किसने फोन किया था वो पता नहीं चला। और सर प्रॉब्लम यह है कि वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। लेकिन हो सकता है दोनों लड़कियाँ उसी एरिया में हो। कुछ और डिटेल्स पता चली? हाँ सर, गीतिका के फोन पर लास्ट कॉल किसी स्मृति नाम की लड़की का आया था। काफी गुफ्तगु चल रही थी सर इन दोनों के बीच। काफी देर बात हुई है। माधवी, कार्तिक आया और हमने उसे सब बता दिया। क्यों, तुमने उसे क्यों बुलाया यहाँ? हम उससे नफरत करते हैं। अगर तुम उससे इतनी नफरत करते हो तो तुम उसे क्यों बताने दे रही सब कुछ? रो रो के अपनी जान क्यों जला रही है? देखो, अगर उसने गलती की है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, और मेरी तरफ से भी ना उसे 2 जरूर की लगा के देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाँ, तुमने हमें धोखा दिया। बहुत घटिया इंसान हो तुम। माधवी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें लगता है हम तुम्हारी ये सारी बातें मान लेंगे? अब हमसे मिलने की कभी कोशिश मत करना। माधवी, मेरी बात सुनो। हमारे बीच में जो रिश्ता था, हाँ, तो सब खत्म। अब तुम जाओ यहाँ से। माधवी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। हमें कहीं नहीं जाना है। माधवी, मेरी बात समझो, इस वक्त तुम्हें तुम्हारे घर पे होना चाहिए। क्यों? तुम्हारे पापा का किसी ने खून कर दिया है। माधवी, मेरी बात सुनो। माधवी, प्लीज मेरी बात तो सुनो। माधवी, बस हो गया, बहुत हो चुका, अब चले जाओ यहाँ से। तुमने ऑलरेडी उसे बहुत अपसेट किया, बहुत रुलाया है उसे। अब उसका पीछा करके उसका मूड और ऑफ मत करो। मैंने कहा ना, उससे दूर रहो तुम। माधवी, सर वो माधवी घर पर आ गई है। गीतिका के साथ थे, हमें तो पता भी नहीं चला कि पापा। आपके पापा ने आपको 20,000 रुपए दिए थे? जी। मतलब उस वक्त तो जिंदा थे? पता नहीं, पापा सो रहे थे, हमने चुपचाप पैसे निकाल लिए थे। रमाकांत जी, मर्डर केस का क्या हुआ है अभी तक? एक मिनट, बाद में जरा। जी सर, जैन सर। सर आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी नतीजे मिलेंगे। जैन सर। हेलो, क्या? हाँ यही है ना, व्हाइट कलर का बंगला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ऊपर है। ये देखिए, दोनों को सेम तरीके से ही मारा गया है, गला काट के। हो सकता है कि मर्डर वेपन भी एक ही यूज किया हो। ये कब और कैसे हुआ? हमें नहीं पता सर, हम तो आप ही के साथ माधवी के घर पे थे ना, जब हम यहाँ पे आए तो ये लोग ऑलरेडी मरे हुए थे सर। आप लोग जरा बाहर जाइए, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, देखो कोई वेपन मिलता है। आप चारों सहेलियों की आपस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी? हाँ सर, यहाँ प्रॉब्लम तो चल रही थी। माधवी बहुत अपसेट थी स्मृति से। क्यों? सर, वो उसकी बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा फ्लर्ट करती थी, उसने तो स्मृति को थप्पड़ भी मारा था। सर ये देखिए, अंदर वाले कमरे में फोन मिला है, और इस फोन में ये फोटो भी है। ये तो रमाकांत जी है स्मृति के साथ। ये फोन किसका है? ये माधवी का है, शायद यही भूल गई हो। सर,
किचन से ये चाकू मिला है, शायद इसी से खून वाले। खून भी लगा है, देखो इसे फिंगरप्रिंट्स और ब्लड टेस्ट के लिए लैब में भेजो। ओके सर। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। लक्ष्मण रेखा सिर्फ सीता जी के लिए नहीं खींची गई थी, हर इंसान की हर मोड़ पर एक लक्ष्मण रेखा होती है। जो भी कोई काम करें हद में रहकर करें, लेकिन जब हम कोई भी काम अपनी हद से ज्यादा बढ़कर करते हैं तो मुश्किल में पड़ जाते हैं। हंसी मजाक करना अच्छी बात है, सेहत के लिए भी अच्छा है, लेकिन स्मृति और दीप्ति ने मजाक की सारी हदें पार कर दी थी और इसीलिए माधवी और गीतिका उन दोनों को सजा देना चाहती थी। और इसी दौरान स्मृति और दीप्ति दोनों की हत्या हो गई और माधवी वो हमारे शक के घेरे में पहले से थी। सर हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। चाकू पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, तुम्हारे पापा का स्मृति के साथ अफेयर था। तुमने पहले अपने पापा को मारा और फिर स्मृति को। सर हमारे पापा का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। विजय दिखाओ जरा। सर ये फोटो नकली है। स्मृति, स्मृति, दीप्ति, दीप्ति क्या हुआ इन दोनों को? डॉक्टर को बुलाएं। अरे कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बेहोश हुए, मरे नहीं है। लेकिन अब हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कि क्या बोल रही हो तुम? हमने इन्हें किडनैप किया है। पागल हो गई हो क्या? तुम सही कह रही थी माधवी, ये दोनों लड़के ना बहुत गंदी, हमने ही इन्हें पहचानने में भूल कर दी थी। रुको हमने तुम्हें कुछ दिखाया, ये देखो। हे भगवान क्या है ये? इन घटिया लड़कियों की घटिया हरकत। इन लड़कियों ने हमारे पापा के साथ बहुत गंदा काम किया, और सिर्फ हमारे पापा के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे कार्तिक के साथ भी। रुको तुम बताते हैं, ये देखो। सर कुछ गड़बड़ है। सर सर स्मृति और दीप्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, और सर एक चौंकाने वाली बात पता चली है, दोनों की मौत गला कटने के एक घंटे पहले ही हो चुकी थी। मौत गला दबाने की वजह से हुई है। और सर ये देखिए, स्मृति के साथ तो रेप भी किया गया है, उसकी बॉडी पर मेल हेयर मिले हैं। कार्तिक वहां गया था, हो सकता है गुस्से में उसने पहले रेप किया हो और फिर दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी हो, उसके बाद माधवी वहां गई हो। उसे पता ही नहीं होगा कि दोनों लड़कियां पहले ही मर चुकी हैं और उसने दोनों का गला काट दिया। विजय ये जो मेल हेयर मिले ना, इनका कार्तिक के डीएनए से मैच कराओ, और स्मृति की जो फोटो है रमाकांत के साथ उसकी सच्चाई पता करो, देखो कौन सी सही है। ठीक है सर। सर स्मृति की बॉडी पर जो हेयर मिला था उसका डीएनए कार्तिक के डीएनए से मैच नहीं करता। मैच नहीं करता? और सर ये देखिए, ये जो फोटो है ये मॉर्फ्ड है। कार्तिक के अलावा और वहां कौन था? आप लोग यहां क्यों आए? कातिल को पकड़ने। लेकिन यहां क्यों? मोबाइल दो अपने। पर सर मोबाइल। तो स्मृति के साथ ओरिजिनल फोटो में तुम्हारे ये हैंडसम फादर थे। आप स्मृति को नहीं जानते हैं सर, वो बहुत ही घटिया लड़की थी। हेलो अंकल, अब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। गीतिका है घर पर? नहीं बेटा, गीतिका तो घर पर नहीं है। क्या हम जरा वॉशरूम यूज कर सकते हैं? हाँ श्योर, उसे कमरे में चले जाओ। थैंक्स अंकल।
मोच आ गई है। मामूली मोच है, अभी ठीक हो जाएगी। आप कितने अच्छे हो ना, सबका कितना ख्याल रखते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अंकल ये सब सही नहीं है, आप मेरे दोस्त के पापा हैं। मैं चलती हूँ अंकल। उसके चक्कर में तो मैंने मेरे पापा को कितना कुछ सुना दिया। ये क्या है पापा, स्मृति हमारी दोस्त है। नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो, हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो खुद हमारे साथ कुछ गलत करना चाहती थी। अब हम उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमने कार्तिक और माधवी को बात करते सुन लिया था सर। एक काम करो, तुम मेरे साथ भाग चलो। तभी हमने ये सब प्लान किया। हम ना अपने दोस्तों के साथ 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। और उस प्लान में माधवी तुम्हारे साथ थी। वो क्या साथ देती सर, स्मृति और दीप्ति को तो हम पहले ही मार देना चाहते थे, लेकिन माधवी ने रोक कहा कि टॉर्चर करते। ठंडा पानी डाला, चिल्ड एसी में रखा, नॉनवेज खिलाया और गंदा मेकअप किया। ये सब बच्चों वाली चीजें कौन करता है सर। हम तो ये सब तभी खत्म करना चाहते थे। जिस दिन कार्तिक आया उस दिन पापा पीछे के दरवाजे से पहले ही आ चुके थे सर। अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अंकल। तेरी वजह से मैं अपनी बेटी की नजरों में गिर गया। एक मजाक के लिए तुम लोगों ने दीप्ति और स्मृति दोनों को मार डाला, और तुमने एक टीचर होकर इतना घिनौना काम किया। How disgusting! सड़ो जेल में। गीतिका और प्रदीप की गिरफ्तारी के बाद एक केस तो सुलझ गया था, लेकिन रमाकांत के खून का सुलझना अभी बाकी था। उनका खून उनके घर के अंदर हुआ था, इसलिए कातिल को पकड़ने में बहुत मुश्किल आ रही थी। सर मुझे तो अभी भी रमाकांत की बेटी माधवी पर ही शक है। हो सकता है माधवी ने दीप्ति और स्मृति को ना मारा हो, लेकिन अपने बाप को मारा हो, क्योंकि वैसे भी माधवी अपने घर से तो भागने वाली ही थी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि माधवी ने अपने बाप को मारा होगा, वो कोई और ही है। सर हमने उस लक्ष्मण की पूरी कुंडली निकाल ली है सर। वो बिहार का है, बहुत ही शातिर अपराधी है सर, दो दो खून करके भागा। हाँ, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तूने। साहब हम कुछ नहीं किए, साहब कुछ नहीं किए। बिहार से दो दो खून करके भागा है ना तू, लंबा जाएगा। सच बता, रमाकांत को मारने की सुपारी तुझे किसने दी थी? उमाशंकर ने ना? जी, उन्हें नहीं दी थी, लेकिन साहब हम मारे नहीं उनको, हम तो सिर्फ मौके का फायदा उठाए साहब। हमको पता चला कि मालिक मर गए, तो हम उमाशंकर जी के पास जाके कह दिया कि हमने मारा है, और उन्होंने सर बकाया पैसा भी हमको लाके दे दिया। लेकिन साहब हम सच कह रहे हैं, हम मारे नहीं उनको। तेरा सच और झूठ तो हम बाद में सुनेंगे, पहले इस उमाशंकर को लेके आओ। सर आइए उमाशंकर जी, आपके इस पालतू ने तो कबूल लिया है, अब आप बताइए। हाँ, मैंने दी थी सुपारी उस रमाकांत के खून के लिए। जब कोई छोटा किसी बड़े को लगातार अपमानित करेगा तो बड़ा क्या करेगा? अपने गुस्से पर काबू। रमाकांत के खून की सजा आपको मिलेगी,
और आपके इस पालतू को। हम सच बोल रहे हैं साहब, हम नहीं मारे साहब उसको। और साहब हम झूठ काहे बोलेंगे, दो खून की सजा हमको वैसे भी मिलने वाली है। माँ खत्म बोल रहे हैं साहब, हम नहीं मारे उसको, भगवान किसने मारा? आरती मैडम ने, किसी ने किया है साहब कुछ। हम देखे थे उसको मालिक के कमरे से बाहर निकलते हुए, उसका रंग एकदम फीका पड़ गया था, मुंह सफेद हो गया था साहब उसका। पर हमारे पास रमाकांत जी को मारने की क्या वजह हो सकती है? हम बताते हैं वजह। हमने आपके और रमाकांत जी के बारे में भी इंक्वायरी की है। आप दोनों का रिलेशन आज का नहीं, 22 साल पुराना है। कॉलेज में आप दोनों साथ में पढ़ते थे, यहाँ तक कि आपकी उनसे शादी भी होने वाली थी, किसी वजह से नहीं हो पाई। उनकी शादी किरण जी से हो गई, साथ तो छूट गया लेकिन मोह नहीं छूटा। यहाँ उन्होंने आपको विधवा आश्रम का काम सौंप दिया और हर महीने पैसे भी देते रहे, यही सच है ना? हाँ बिल्कुल, हम दोनों के बीच संबंध थे, वो मुझे पैसे भी देते थे और विधवा आश्रम का भार भी मुझ पर था। जब वो मुझे पैसे देते थे तो भला मैं उन्हें क्यों मारूंगी? हाँ पर हो सकता है उनकी बीवी ने ये सब करवाया हो। तुम्हारे पापा का पेन है, ये हमेशा अपने पास रखते थे। इंस्पेक्टर कुछ पता चला? वही पता करना है। किरण जी, आपके पति का इतने सालों से आरती के साथ अफेयर था और आपने कुछ नहीं किया? ये सब हमें कुछ नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है, पति का किसी औरत के साथ सालों साल अफेयर रहे और पत्नी को पता ना चले? नहीं नहीं, बात हजम नहीं हो रही, कहीं गुस्से में आप ही ने तो रमाकांत जी को नहीं मार दिया? क्या आप कैसी बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आप होश में तो हैं? ये बिचारी अपने पति के लिए आंसू बहा रही है और आप इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं? अभी तो सिर्फ आरोप लगा रहा हूँ, अगर साबित हो गया तो ये बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगी और साथ में आप भी। सर, सर मैंने किरण के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं पर एक आदमी का नंबर मिला है। इस नंबर पर किरण अक्सर बात करती थी और कई बार इस नंबर और किरण के फोन की लोकेशन एक ही होती। बस कीजिए सर, आप जब आते हैं यहाँ पे किसी न किसी पे कुछ आरोप लगाकर चले जाते हैं। कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल है दुबे जी, ये देखिए, ये हैं आपकी मम्मी के कॉल रिकॉर्ड्स, यानी कि किरण जी के, और ये प्रताप जी के। लोकेशंस साथ साथ हैं, जब जब ये लोग मिले थे, और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास इन दोनों की साथ में। किरण जी, कितने सालों से चल रहा है आप लोगों का अफेयर? 21 साल, और ये बात उनको भी पता थी। ये हम सही नहीं कर रहे हैं। तुम जो करती हो, कभी हम कुछ कहते तो हम भी जो कर रहे हैं ना, चुपचाप हमको करने दो। ये कैसा रिश्ता था आपका अपने पति के साथ कि आपका रिलेशन प्रताप जी के साथ और रमाकांत जी का आरती के साथ? इससे अच्छा तो आप उनसे अलग हो जाती। आरती के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था। हाँ उनकी शादी होने वाली थी लेकिन उनकी सच्चाई आरती को पता चल गई और उसने शादी से इनकार कर दिया। कौन सी सच्चाई बोलिए मैडम, कौन सी सच्चाई? दरअसल हमारे पति को औरतों में दिलचस्पी नहीं थी। मतलब? मर्द अच्छे लगते थे। हाँ, लेकिन अगर उन्हें मर्द अच्छे लगते थे तो फिर वो एक बेटी के बाप कैसे बन गए? माधवी हमारे पति की बेटी नहीं है, प्रताप जी की बेटी है।
लेकिन आरती ने हमें बयान दिया था कि रमाकांत जी के साथ उसका अफेयर था। वो झूठ बोल रही है। हाँ, हमने आपसे झूठ बोला था क्योंकि मैं डर गई थी। असल में उस दिन जब हम उनके घर गए थे तो रमाकांत जी, क्या आप बता सकती हैं कि रमाकांत जी के किसके साथ रिलेशंस थे? केशव। कौन केशव? सर केशव वही है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अक्सर वहां पे दिखता है। सर केशव के फोन रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन रमाकांत जी का मर्डर हुआ उस दिन वो डंपिंग यार्ड के एरिया के आसपास था। डंपिंग यार्ड में क्यों गया था? हो सकता है मर्डर वेपन को ठिकाने लगाने गया हो। एरिया को सर्च करो। तो अपने चाचा को तुमने मारा? चाचा जी हमें पढ़ाने लेके आए थे सर, लेकिन फिर वो हमारे साथ गलत काम करने लगे। कोई रोक टोक नहीं। देखो तुम्हें जो चाहिए जब चाहिए जितना चाहिए हम देंगे, बस तुम ऐसे ही हमारा साथ देते रहो और हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। केशव। जी चाचा जी। इधर आओ। इस लड़की के साथ जो कुछ भी तुम्हारा चल रहा है ना बंद कर दे। हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था सर, लेकिन कुछ बोल भी नहीं पाते थे, इतने एहसान थे उनके सर। फिर हमें रश्मि पसंद आ गई और सर हमें ये सबसे निकलना था सर। गीता में लिखा है कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो। हो सकता है अच्छे कर्म करने वालों को कभी कभार अच्छा फल ना मिले, लेकिन बुरा कर्म करने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है। एक तरफ दीप्ति और स्मृति थी जिन्हें अपनी हंसी मजाक की वजह से जान देनी पड़ी, और दूसरी तरफ रमाकांत जो सालों से केशव के साथ गलत कर रहा था, आखिर में तंग आकर उस केशव ने उनकी जान ले ली। क्या दीप्ति और स्मृति के घर वालों को कभी दस्तक नहीं मिली थी कि उनकी बच्चियां क्या कर रही हैं? और रमाकांत क्या उसे दस्तक नहीं मिली होगी? वो जो सालों से केशव के साथ गलत कर रहा था उसका कोई भयानक रूप उसके सामने आ सकता है? और किरण वो तो सब कुछ जानती थी, उसे भी तो दस्तक मिली होगी। अपराध होने से पहले हमेशा दस्तक देता है और उस दस्तक को सुनना हमारा काम है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।